स्टूडेंट, आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट वन आ जाता है कि ये जो प्योर वाटर होता है उसका कोई कलर नहीं होता, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है। ठीक है, ओके। प्योर वाटर का कोई कलर और टेस्ट नहीं होता। इट हैज़ ए प्लेजेंट टेस्ट विच इज़ ड्यू टू द डिजॉल्व सॉल्ट एंड गैसेज। लेकिन अगर इसमें सॉल्ट और गैसेस डिजोल्व की गई हैं तो फिर इसका टेस्ट जो होता है वो प्लेजेंट होता है। और ये फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ये बर्फ़ बन जाता है, और ये बॉयल होता है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का जो वेट है 1 ग्राम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट इसकी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है प्योर फॉर्म में। अगर हम प्योर स्टेट लेते हैं पानी की तो इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ लाइट, यानी इसमें से बिजली जो है वो नहीं गुजर सकती। और क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? बिकॉज इट कैन डिजोल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, यानी क्योंकि ये सबसे, यानी ये वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत से सब्सटेंस जो हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं सिर्फ पानी के अंदर। ठीक है, अब कॉमन यूज़ ऑफ वाटर, यानी कहाँ कहाँ हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है, हम इसे पीने के लिए लेते हैं, इरिगेशन के लिए लेते हैं, यानी फसलों वगैरह को देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड डाइंग पर्पसेस। ठीक है, और इसके अलावा फॉर जनरेटिंग स्टीम इन द बॉयलर, बॉयलर में स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसे एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट में इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत से इसके पॉइंट्स हैं। फॉर पुटिंग आउट फायर, यानी आग को बुझाना, दूसरे भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और फॉर द अब्जॉर्प्शन मिनरल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट। ठीक है, यानी फॉर फिश फार्मिंग, इसके लिए भी हम वाटर को क्या है यूज़ करते हैं, यानी देयर आर लॉट ऑफ कॉमन यूजेज ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं। सॉफ्ट वाटर उसे कहते हैं कि जो कि अगर हम आप साबुन अगर उस वाटर के साथ, अगर सॉफ्ट वाटर उसे हम कहेंगे, सॉफ्ट वाटर रेडियली फॉर्म्स लेदर विद सॉफ्ट, यानी साबुन के साथ अगर ये झाग बनाता है पानी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर जो होता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, क्योंकि उनमें साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो झाग बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, और हार्ड वाटर किसे कहते हैं कि जो कि साबुन अगर आप सॉप इस्तेमाल करें उसके साथ पानी जो है अगर झाग नहीं बनाता है तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर इन वाटर, यानी दो तरह की हार्डनेस होती है वाटर में। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस होती है पानी के अंदर, एक है परमानेंट होती है। और टेम्परेरी क्या होती है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी बाई कैल्शियम मैग्नीशियम के जो बाई कार्बोनेट है उनकी प्रेजेंस की वजह से होती है। और परमानेंट क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सल्फेट और क्लोराइड है उनकी प्रेजेंस की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। अब अगर हम हॉट वाटर को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, क्या डिसएडवांटेज है? इट इज़ नॉट गुड फॉर वॉशिंग क्लॉथ। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो झाग नहीं बनेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सोप जो है वो वेस्ट होगा। और इंडस्ट्री प्रोसेस के लिए भी ये ठीक नहीं है। और ओके, इट ऑल्सो स्पॉइल्स द लस्टर एंड कॉजेज स्केलिंग ऑन मेटल्स। ठीक है, अगर हॉट वाटर जो होता है, एक तो किसी भी मेटल की जो उसकी शाइनिंग होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब हम हार्ड वाटर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के 3 तरीके हैं। एक है बॉइलिंग, बॉईल कर लें। सेकंड है एडिंग वॉशिंग सोडा, उसके अंदर वॉशिंग सोडा डाल दें। और तीसरा है एडिंग स्लेक लैम। ठीक है, ये केमिकल भी उसके अंदर डाल दें। अब पानी को लास्ट हमारा पॉइंट है मेथड टू कंजर्व वाटर, यानी पानी को हम किन किन तरीक़ों से सेव कर सकते हैं या बचा के रख सकते हैं। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन आ जाता है डू नॉट लीव द टैप ओपन अननेसेसरली। ठीक है, यानी ज़रूरत है तो टैप खोले, दरवाजे से बंद कर दें। यूज़ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम टू वाटर प्लांट। ठीक है, यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम टू वाटर, यानी एक ये सिस्टम है कि जिसमें आप प्लांट को अगर वाटर दे रहे हैं
तो उसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के मुताबिक ही दें। और इसके अलावा डू नॉट वॉश योर कार्स विद टैप वाटर, टैप वाटर के साथ अपनी गाड़ी वगैरह को मत धोएं, और टैप को इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छे तरीके से टर्न ऑफ कर दें, और पानी को इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही, ठीक है। और फॉर वॉशिंग, वॉशिंग पर्पज़ के लिए जो रिसाइकल वाटर है उसे ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये थे हमारे मेथड टू कंजर्व वाटर, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।